हेलो बच्चों क्या हाल चाल कैसे चल रही है पढ़ाई तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आई आई टी जेई पेपर टू का पार्ट टू तो पार्ट वन में हमने जो है सेक्शन वन एंड सेक्शन टू सॉल्व किया था जिसमें सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन नंबर थ्री जो कि है इंटीजर टाइप क्वेश्चन इंटीजर टाइप में बेसिकली होता क्या है हमारा जो आंसर होता है वो जीरो वन टू थ्री फोर से लेकर के नाइन के बीच में कोई भी एक इंटीजर हो सकता है ठीक है तो इसमें टोटल सिक्स क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री अब ये फिफ्टी थ्री वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये भी आई से एक प्रॉब्लम हो गया था क्या प्रॉब्लम हो गया था उन्होंने सोचा कुछ और था क्वेश्चन देने का हो कुछ और गया उनसे मतलब क्या है मतलब ये है अगर तुम देखोगे ओमेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाई थ्री क्या ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तुम बोलोगे ऑब्वियसली नॉट क्यों क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है ई टू द पावर आयोटा टू के पाई बाय थ्री या फिर टू पाई बाय थ्री एंड फोर पाई बाय थ्री डेट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर प्लॉट करते हो तो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वन दूसरा यहाँ पे कहीं और तीसरा यहाँ पे कहीं ठीक है इधर इधर एंड इधर ये तीनों क्यूब रूट वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर पे लेकिन यहां पे इन्होंने दे दिया ओमेगा इज इक्वल टू तो ई टू तो पावर आयोटा पाई बाई थ्री तो वो तो इधर कहीं आएगा भाई अब देखो ये और ये ऑब्वियसली ये भी एंगल सिक्सटी डिग्री है मेरा ये भी एंगल सिक्सटी डिग्री है ठीक है क्योंकि ये टोटल वन ट्वेंटी डिग्री है तो ये सिक्सटी डिग्री होगा तो ये अगर ओमेगा है तो एक्चुअल जो है ये ओमेगा इस ओमेगा से कैसे रिलेटेड है मतलब ओमेगा ओमेगा से कंफ्यूज हो रहे हो तुम तो ऐसे सोचो कि दिस इज नॉट ओमेगा इसका कुछ और नाम दे दो सपोज दिस इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कुछ भी जेड है जेड जी ठीक है तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज e टू दावर आयोटा पाई बाई थ्री और ये ओमेगा है विच इज e टू दॉर आयोटा टू पाई बाई थ्री जो कि ओरिजिनल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ठीक है तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है तो तुम देखोगे एक एल में है एक आर में मतलब जिस तरीके से एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू होता है उसी तरीके से ये जेड इज इक्वल टू ये एंड जेड इज इक्वल टू ये है दिस मीन्स जेड को अगर मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ओमेगा का नेगेटिव बोल सकते हैं है कि नहीं? नेगेटिव बोल सकते हैं तो बोलोगे हाँ सर ठीक है अगर मैं जेड को ओमेगा का नेगेटिव बोलूं, तो काम चल जाएगा ठीक है तो यहां तक तो उन्होंने ये सोच के दिया लेकिन इफ यू विल टेक डब्ल्यू एज माइनस ओमेगा मतलब ये इसको डब्लू बोल दू या जेड बोल दू क्योंकि ये ओमेगा एक्चुअल में नहीं है ये ओमेगा इज सेम एज माइनस ओमेगा तो देखना क्या चेंज आ जाएगा हमारे आंसर में हमारा जो आंसर है वो इंटीजर आएगा ही नहीं मतलब मतलब ये कि हमारे पास तीन है एंड इक्वेश नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे के सारे नॉन जीरो है इतना है। अब सारे के सारे रिलेटेड है एक्स वाई जेड एक्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी सबके सब कॉम्प्लेक्स सब नंबर ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओके देन इन्होंने पूछा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्र डिवाइड बा मॉड एक्यर प्लस मॉड बी स्क्वर प्लस मॉड सी स्क् अच्छा क्या मैं ए बी सी निकाल सकता हूँ इस तीनों इक्वेशन से तो तुम बोलोगे अगर ए बी सी निकालने बैठ गए सपोज थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन निकालने बैठ गए सोच रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी सी का तो ये वाला चीज़ तो भूल ही गया कि ए बी सी निकाल के कुछ करेंगे ठीक है दिस मीन्स हम लोग डेनोमिनेटर को तो कुछ कर ही नहीं सकता है करना किसमें है न्यूमिरेटर को क्यों क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास गिवन है वी नो एक्स वी नो वाई वी नो जेड और अगर मैं उसको ओमेगा के टॉर्म में लिखूं जो कि एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक्स में तो डब्लू यूज ही नहीं हुआ है तो एक्स इज ए प्लस बी प्लस सी वाई इज ए माइनस बी ओमेगा जो एक्चुअल है डब्ल्यू को मैंने क्या बोला माइनस ओमेगा है एंड सी ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा डेट इज माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर डेट इज सी ओमेगा स्क्वायर जो एक्चुअल ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और z क्या है तो a तो a ही है b के साथ ओमेगा स्क्वायर और w इज माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा होल स्क्वायर कितना होगा ओमेगा स्क्वायर होगा जो है ओरिजिनल ओमेगा एंड दिस इज माइनस सी ओमेगा ठीक है xyz मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इससे मैंने xyz निकाल लिया अभी अब आगे सोचना जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का यूज होता है तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए यहाँ से सबको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जो कि बहुत ही प्यारा सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुतों बार क्लास में बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है डेट इज मॉड जेड का होली स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए दिस मीन्स अगर मैं एक्स स्क्वायर का मॉड को लिख दूँ एक्स इंटू एक्स बार

माइनस बी बार ओमेगा बार ओमेगा बार कितना है ओमेगा स्क्वायर ठीक है प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर का बार इज ओमेगा प्लस उसी तरीके से जेड जेड बार करोगे डिवाइड बाय मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर ऐसे आएगा ठीक है अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा ए इंटू ए मॉड ए का होल स्क्वायर ए इंटू बी बार ठीक है बी इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो मॉड बी का होल स्क्वायर आ जाएगा सिमिलरली मॉड सी का होल स्क्वायर आ जाएगा उसी तरीके से और टर्म्स आएंगे ए इंटू बी बार ए बार ए इंटू बी बार प्लस ठीक है ए इंटू सी बार आएगा फिर बी इन ए बार आएगा फिर बी इन सी बार आएगा उसी तरीके सी इंटू ए बार आएगा सी इंटू बी बार आएगा जब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए मॉड ए का होल स्क्वायर तो आ जाएगा अब यहाँ लोचा कहाँ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल सब कुछ कैंसल आउट हो ही नहीं पाए तो ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से इन सब को तो सब कुछ मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए बाकी सारे टर्म कैंसल आउट हो जाने चाहिए लेकिन जब तुम करोगे तो एक्चुअल में ये कैंसल आउट होगा ही नहीं कैंसिल आउट होगा ही नहीं दिस मीन्स ये एक इंटीजर आ ही नहीं पाएगा और जब इंटीजर ही नहीं आ पा रहा है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ठीक है दिस मीन्स इन्होंने फिर से ये गलती की और सबको मार्क्स देना पड़ा बोनस करना पड़ा अगर वहां पे वो थोड़ा सा मिस्टेक ना करते डेट इज ई टू पावर आयोटा पाई बाई थ्री के जगह पे वो ये ओरिजिनल ओमेगा दे देते ओमेगा इज ई टू पावर आयोटा टू पाई बाई थ्री बस ये दे देते दे दे काम चल जाता ये दे देते दे हमारा तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं पड़ता इस इक्वेशन में और हम लोग बहुत ही आसानी से एक्स एक्स बार वाई बाय बार जेड जेड बार मल्टीप्लाई करते एंड हमारा आंसर आ जाता ठीक है तो आंसर जब आ जाता देखना कैसे आ जाता एक बार मैं झलक दिखला रहा हूँ तुम्हें अगर मैं ओरिजिनल ओमेगा लूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार न्यूमिरेटर लिख रहा हूँ मैं प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर टू ए बार प्लस बी बार ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बार ओमेगा ठीक है उसी तरीके से इधर से भी टर्म आएगा कुछ क्या टर्म आएगा देख लेते हैं भैया ऐसे ही टर्म आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय ए बार प्लस बी बार ओमेगा प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर अब इन सबको जो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तुम्हें दिखेगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर बस मैं पहले वो लिख रहा हूं यहां से कैसे आएगा मॉड ए का होल स्क्वायर यहां से आने वाला है ठीक है b बार इंटू ए होगा तो ओमेगा क्यूब बनेगा वहां से भी मॉड b का होल स्क्वायर एक आएगा और फिर c बार इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो मॉड c का होल स्क्वायर आएगा यहां से भी एक बार मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर आएगा मतलब तीन बार ये चीज प्लस अब आगे क्या होने वाला है उसको देखना ए इंटू ए बार वाला तो खत्म हो गया ए इंटू बी बार ए इंटू बी बार में ले रहा हूं ठीक है अब खाली ए इंटू बी बार कैलकुलेट करो इन टू बी बार और कहां आएगा एन टू बी बार ओमेगा स्क्वायर के साथ आएगा और यहां आएगा एन टू बी बार ओमेगा के साथ अब तुम्हें दिख रहा है बार कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि जीरो हो जाएगा सिमिलरली नेक्स्ट टर्म भी जाएगा ए इन सी बार को देख लो एन टू सी बार यहां से आएगा अकेला ए इंटू सी बार यहां से ओमेगा के साथ आएगा और यहां से ए इंटू सी बार ओमेगा स्क्वायर के साथ आएगा फिर से ए इंटू सी बार कॉमन आएगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यह भी हो जाएगा जीरो इसी तरीके से बी इंटू ए बार वाला भी सब जीरो बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे बचेगा सिर्फ ये और अगर बचा सिर्फ ये डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा थ्री ठीक है अपना काम बन जाएगा देखो ये तो था प्रॉपर मेथड जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन था बस यहां पे उन्होंने मिस्टेक नहीं किया होता तो हमारा काम बन जाता ठीक है तो इससे बेसिकली हमने क्या सीखा मॉड वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत तो बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर देखो वन अनदर मैथड कैन बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा एक रियल नंबर से छुपा हुआ होता है दिस मीन्स अगर कोई कोई दे जेड इज इक्वल टू वन वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नॉन जीरो है इसने ये तो बताया ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट या रियल पार्ट जीरो है या नहीं मैं तो कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा अपने सहूलियत के अनुसार ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन मान लूंगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इससे लाइव बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है या फिर वन 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 नहीं मानना है तो कुछ भी मान लो ठीक है कुछ भी एक और मान लो उससे काम बन जाएगा तुम्हारा तो वहां से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है मतलब क्या बोल सकते हैं इसके ठीक है ये मार्क्स टू ऑल था ओके okay, अब ये बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है इसमें देखो बोला गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड नंबर ऑफ डिस्टिंकट रियल रूट पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंग रियल रूट्स कितने रियल रूट पॉसिबल हैं अब ऑब्वियसली अगर ऐसा इक्वेशन है तुम हिट एंड ट्रायल नहीं करने जाओगे क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा हिंट नहीं लग रहा है जिससे ये सिंप्लीफाई हो पाए एक तरीका होता है बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जब टू पावर फोर सेम हो एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एंड एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो तब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे बाई डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर बोथ साइड उससे एक्स प्लस वन बाय एक्स या एक्स माइनस वन बाय एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाता है वो सॉल्व हो जाता है ठीक है तो वो वाला चीज़ तो है नहीं यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्स टू दी पावर फोर क्वेश्चन कुछ और इसका क्वेश्चन कुछ और यहाँ को एक्सडेंट कुछ और यहाँ को एक्सडेंट कुछ और जैसे ही ये देखा हमने वो चीज़ तो लगेगा नहीं दिस मीन्स कैसे जाएंगे इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि है एक्स टू दावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एफ डेस एक्स कितना आने वाला है फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस वन क्या मुझे डायरेक्टली यहां से भी रूट दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं ठीक है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ डबल डेस एक्स करेंगे तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर ठीक है ओके हाँ सही है तो एफ डबल डैश एक्स में दिख रहा है मुझे ट्वेल्व कॉमन है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज आ रहा है ठीक है ये आ रहा है हाँ ठीक है अब एफ डबल देखोगे इसका डी निकालोगे डी तो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डेट इज लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो है एफ डबल डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स का डी लेस देन जीरो है एंड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है दिस मीन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डबल डैश एक्स के बारे में पता कि ये वाला फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव है अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे ठीक है एफ डबल डे एक्स का एक भी रूट नहीं है ये हमेशा पॉजिटिव है तो उससे एफडेस एक्स के बारे में पता लग सकता है कि एफ डेस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एफडेस एक्स एक ऑब्वियसली एक क्यूबिक फंक्शन है इनक्रीजिंग है दिस मीन्स एक ही रूट होगा अब उसको एक बार ऐसे प्लॉट करके देखते हैं सोचो अगर दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस तो ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जाएगा माइनस इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दिख रहा है वन दिस मीन्स इसका जो रूट है कहीं इधर होगा एक ठीक है दिस इज द्राफ ऑफ टेंटेटिव ग्राफ ऑफ एफडेस एक्स अगर मैंने एफ डैस एक्स के बारे में पता कर लिया तो मुझे क्या पता चला कि एफ डैस एक्स कुछ भी x इज इक्वल टू एल्फा पे जीरो होगा एक ही x होगा जहां पे ये जीरो होगा ठीक है ओनली वन रियल रूट है एफ डैस एक्स में ओके okay. अब मुझे ये भी दिख रहा है कि अपना जो एफ डैस एक्स है अल्फा के आगे हमेशा पॉजिटिव मतलब अगर नंबर लाइन बनाऊं एफ डैस एक्स का साइन चेंज का तो अल्फा है अल्फा के आगे हमेशा पॉजिटिव एंड अल्फा के पीछे हमेशा नेगेटिव दिख रहा है मुझे ओके दिस मीन्स हमारा जो एफ एक्स होगा एफ एक्स अल्फा के इधर तो डिक्रीजिंग होगा और अल्फा के बाद इंक्रीजिंग होगा अल्फा के इधर डिक्रीजिंग अल्फा के बाद इंक्रीजिंग ऑब्वियसली तो दिख रहा है इन्फिनिटी पे तो ये इंफिनिटी जाएगा फिर से ठीक है सॉरी हाँ माइनस इन्फिनिटी पे भी ये इन्फिनिटी जा रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जा रहा है माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जा रहा है माइनस वन दिस मीन्स ये ग्राफ इधर से आएगा माइनस वन जाने के लिए इसको एक बार एक्स एक्सिस कम से कम कट करना ही पड़ेगा और यहां तक डिक्रीज करता रहेगा उसके बाद ये माइनस वन कहा रीच करेगा वो भी हमें एग्जैक्टली exactly पता है अल्फा पे ही रीच सॉरी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वन रीच कर रहा है ठीक है उसके बाद ये फिर से उठेगा ही फिर से उठेगा ही दिस मीन्स कितने बार कट किया एक्सिस को टू टाइम्स कितने रियल रूट है दो रियल रूट ठीक है तो बाइक क्वाड्रेटिक को, को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कितने रियल रूट से पता चल जाता है सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस है ना कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है दिख रहा है हमें डिफरेंशियल differential... बस थोड़ा सा इन्होंने अलग ढंग से लिख दिया है देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को वाई डेस एक्स को मैं क्या बोलूंगा क्वल टू जी एक्स इंटू जी डेस एक्स ये तो क्लियरली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली कितना आने वाला है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन जी डेस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू ई टू दी पावर जी एक्स ओके अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ वाई इं टू ई टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू जी डेस एक्स इंटू ई टू द पावर जी एक्स डी एक्स इसको हमें इंटीग्रेट करना है ठीक है एंड वाई ऑफ जीरो जीरो दिया है ताकि तुम्हें फंक्शन पता चल जाए ठीक है वेयर एफ डैस एक्स टेन डी इज ए नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन जी ऑफ जीरो निकाल लेंगे अब यह वाला इंटीग्रेशन है मुझे अब मुझे यहां पता है कि जी डे इंटीग्रेट करोगे ऑब्वियसली जी एक्स को टी लो लोगे जी एक्स को टी लोगे तो जी डेस एक्स डीएक्स कितना आ जाएगा डी टी तो ये वाई इंटू टू दावर जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स को तुमने टी लिया है जी डेस एक्स डी एक्स डी टी हो गया ई टू पावर टी बचा डी टी ठीक है अब ये तो निकालने सबको आता है वाई इंटू ई टू दावर जी एक्स है ये इंटीग्रेशन कितना आएगा टी इंटू टू पावर टी में क्या लगता है पार्ट्स अब बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको माने ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू दी पावर टी आ जाएगा प्लस सी तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया वाई इंटू ई टू दी पावर जी एक्स इज इक्वल टू टी किसको को माना था जी एक्स को ई टू दावर फिर से जी एक्स माइनस ई टू दी पावर जी एक्स प्लस सी अब सी निकालने के लिए पूरा जीरो इंटू एनीथिंग जीरोजी पावर जी ऑफ जीरो माइनस ई टू दी पावर जी ऑफ जीरो प्लस सी अब मेरे पास जी ऑफ जीरो पता है जीरो जी ऑफ जीरो इज जीरो अगेन जीरो तो जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो जीरो ई टू पावर जीरो इज वन प्लस सी तो सी की वैल्यू कितनी वन नाउ सी इज वन देर फोर वी कैन से हमारा जो फंक्शन है वो ये वाला है हमारा जो फंक्शन है वो ये वाला है दे देर आस्किंग अबाउट वाई ऑफ टू वाई ऑफ टू ओके सो वाई ऑफ टू का मतलब एक्स के जगह टू रख दो नाउ वाई ऑफ टू इज बेसिकली ई टू जी ऑफ टू जी ऑफ टू जीरो है तो वन इज इक्वल टू जी ऑफ टू जीरो है तो ये तो जीरो माइनस ई टू दावर जीरो वन प्लस टू सो दिस इज अगेन वाई ऑफ टू इज इक्वल टू कितना आया सी वन आया था है ना तो दिस इज जीरो वाई ऑफ टू की वैल्यू भी कितनी आ गई जीरो अभी देखो इसमें बहुत सारे बच्चे तुक्का भी मार सकते थे क्या तुक्का मार सकते थे ऑब्वियसली हर जगह दिख रहा है मुझे y ऑफ जीरो जीरो ऐसे ही मतलब रैंडम तुक्का ऑफ ऑफ सब 0, 0, 0 है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वाई ऑफ टू जीरो मार्क चले आते किस्मत से सही हो जाता तो ठीक है नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है इंटीजर टाइप में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंटीजर टाइप का एक मैट्रिक्स का प्यारा सा क्वेश्चन बोला गया लेट एम बी ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का उसके बाद एम के बारे में एम इन टू दिस एम इन टू दिस एम इन टू दिस दिया है देन दिस सम ऑफ द डायगनल एंट्रीज ऑफ एम वाओ मतलब एक रैंडम एम हमें मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है एक एम इज थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स डाइगनल एलिमेंट का सम चाहिए उसके अलावा और कुछ भी एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा मैं एक जनरल एम मानूंगा वो जनरल एम कैसा होगा ए पी सी एक्स वाई जेड चलो पी क्यों नहीं लूंगा मैं एल एम एन ले लिया ठीक है नाउ अब मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है एम इंटू जीरो इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं जीरो वन जीरो से बताओ क्या आएगा तुम बोलोगे पहला रो पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम ए इंटू जीरो सिर्फ बी आएगा सिर्फ बी आएगा यहाँ ठीक है दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम एक्स जीरो सिर्फ वाई आएगा एंड यहाँ पे सिर्फ एम आएगा ठीक है एंड दिस इज गिवन एज क्या दिया है माइनस वन टू थ्री माइनस वन टू थ्री यहाँ से तुम्हें बी की वैल्यू आ गई माइनस वन वाई की वैल्यू आ गई टू एम की वैल्यू आ गई थ्री वाह 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 नाओ वा। नेक्स्ट इक्वेशन फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में चलो क्या करें बी की वैल्यू आ चुकी है बी इज माइनस वन उसके बाद वाई इज टू एंड m इज थ्री ठीक है लिख लिया नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर मुझे m मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वन 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 माइनस वन जीरो ठीक है मल्टीप्लाई करो भाई पहले पोजीशन पे क्या आएगा ए माइनस एक्स सॉरी ए माइनस बी दूसरे पोजीशन पे क्या आएगा एक्स माइनस वाई तीसरे पे एल माइनस एम अच्छा तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी वन तो ए कितनी होगी वन प्लस बी अच्छा बी मुझे पता है ऑलरेडी बी कितना है माइनस वन तो वन माइनस वन जीरो तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो ठीक है एक्स माइनस वाई कितना आ गया वन x माइनस वाई अगर वन आ गया एंड वी नो y वाई इज टू तो x माइनस टू वन है तो x इज इक्वल टू थ्री है x की वैल्यू थ्री आ चुकी है नेक्स्ट l माइनस एम एल माइनस एम कितना है मेरे पास माइनस वन एल माइनस एम माइनस वन है तो एल इज इक्वल टू एम माइनस वन एम कितना है थ्री थ्री माइनस वन टू एल की वैल्यू टू एल इज़ इक्वल टू टू चलो ठीक है नेक्स्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट है नहीं कुछ भी बेसिक सा है बहुत ही ईजी सा बार बार सब कुछ निकलता जा रहा है मतलब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है बस बेसिकली तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देना है भैया तो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है एम को मल्टीप्लाई करोगे वन 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 से तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है पहले पोजीशन पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा जो कि ज़ीरो के बराबर अब मुझे ए पता है बी पता है ए भी पता है ए जीरो बी माइनस वन तो माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सी की वैल्यू वन ठीक है सी की वैल्यू वन नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू टू प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो जेड की वैल्यू माइनस फाइव ठीक है जेड माइनस फाइव देन एल प्लस एम प्लस एन एल प्लस एम प्लस एन टवेल्व एल टू है एम थ्री है फाइव प्लस एन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो एन की वैल्यू सेवन ठीक है अब मुझे चाहिए कि एक्चुअल में ए प्लस वाई प्लस एन एलिमेंट ए प्लस वाई प्लस एन ए इज जीरो प्लस वाई वाई इज टू एन इज सेवन तो सेवन प्लस टू कितना नाइन ठीक है समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है वेक्टर्स का लेट ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर बी थ्री गिवेन वैक्टर्स इफ आर वैक्टर इज ए वैक्टर सच डेट आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी ये वाला इक्वेशन मैं बहुत बार बता चुका हूं एंड आर डॉट ए इज इक्वल टू जीरोन दैल्यू ऑफ आर डॉट बी ओके आर डॉट बी चाहिए मुझे बेसिकली आर वैक्टर चाहिए अगर आर वैक्टर पता चल गया लाइफ आसान ठीक है तो इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं आर वेक्टर पता चल गया तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है अभी देखना ध्यान से इस को देखो मैंने ये बहुत तो बार बता दिया कि हमें वो वाला वेक्टर निकालना है जो क्रॉस प्रोडक्ट में फंसा हुआ है तो क्या करो एक और बार क्रॉस ले लो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत तो बार बता दिया कि अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन गिवेन हो और मुझे उन वेक्टर इक्वेशन में से उस वेक्टर को निकालना है जो ऑलरेडी क्रॉस में फंसा हुआ है तो क्या करो एक और बार क्रॉस ले लो और किससे क्रॉस लेना है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन गिवेन होगा आर डॉट ए गिवेन है ठीक है मतलब ए से एक बार क्रॉस ले लो एक तो ये प्रोसेस है ए से एक बार क्रॉस ले लो दोनों साइड दिस इज़ इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी ठीक है या तो ये मेथड फॉलो करो या फिर यू कैन से सर आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी ये तो जीरो गिवेन है तो आर माइनस सी क्रॉस बी तो जीरो गिवन है डेट इज आर माइनस सी कैन बी रिटर्न एज लैमडा इन टू बी वैक्टर सो आर वैक्टर कैन बी रिटर्न एज सी प्लस लैमडा बी वैक्टर यह भी पॉसिबिलिटी है ठीक है इस वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से जाओ डायरेक्टली आर वैक्टर आ जाएगा क्योंकि ए बी सी सारे वैक्टर्स पता है या फिर यहां से जाओ आर वैक्टर तुम्हारा ये है अब लैमडा निकालने के लिए यू विल से आर डॉट ए जीरो है दैट इज सी डॉट ए प्लस लैमडा इंटू बी डॉट ए जीरो है अच्छा सी डॉट ए कितना हो रहा है वन इंटू माइनस वन माइनस जीरो जे वाला जीरो के वाला माइनस थ्री तो माइनस फोर हो रहा है प्लस लैमडा टाइम्स बी डॉट ए कितना हो रहा है बी का ए के साथ डॉट माइनस वन इंटू माइनस वन इज वन जे वाला है ही नहीं जीरो के वाला है ही नहीं वन दिस इज इक्वल टू जीरो तो लैमडा इज इक्वल टू कितना आ गया फोर लैमडा फोर आ गया तो आर वैक्टर आ गया देखो सी प्लस फोर बी वैक्टर अब मुझे चाहिए आर डॉट बी आर डॉट बी इज बेसिकली सी डॉट बी प्लस फोर इंटू बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर ओके सी डॉट बी सी डॉट बी निकाल लेंगे सी डॉट बी निकाल लेंगे अभी तुरंत माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन टू इंटू वन इज टू थ्री इंटू जीरो इज थ्री दिस इज वन तो ये वन है प्लस फोर इंटू मॉट बी का होल स्क्वायर मॉड बी इज रूट टू उसका होल स्क्वायर इज टू तो इंटू टू तो ये कितना आ गया वन प्लस चार दो आठ नाइन फिर से नाइन ऑप्शन इज नाइन ठीक है तो यही देखो बेसिकली क्या किया हमने दो मेथड मैंने बताया कि या तो तुम ये यूज कर लेते जिससे मैंने सॉल्व किया या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ कर लेते वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आई गेस सबको आता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैंने बहुत तो बार बता दिया अपने रिवीजन सीरीज में कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फॉर्मूला लगाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा कंसेप्चुअल है नहीं थोड़ा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और ईजी बेसिकली बस कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं उन्होंने बोला कि द स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड्स दिस सर्कुलर रीजन इन टू पार्ट्स ओके जब तुम इस सर्कल को बनाओगे तो ऑबियसली तुम्हें दिख रहा होगा एक प्यारा सा सर्कल आ जाएगा जिसका ये पॉइंट होगा रूट सिक्स कॉमा जीरो ठीक है ओके और ये वाला पॉइंट होगा माइनस रूट सिक्स कॉमा जीरो नाउ इफ यू विल ड्रॉ दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू ठीक है वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू माइनस हा वन बाई थ्री ठीक है इस टाइप का कोई इक्वेशन आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन अब दिख रहा है ये लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है ओके एक छोटा सा पार्ट एक बड़ा सा पार्ट अब बोला गया एक सेट है s इसमें एक दो तीन चार चार कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स कॉम वाई की वैल्यू गिवन है चार अब बोला गया इन एस में से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि स्मॉलर पार्ट में हैं मतलब कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस स्मॉलर पॉइंट में लाई करते हैं ठीक है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं ठीक है अब इंटीजर टाइप है तो ऑब्वियसली या तो वन या तो टू या तो थ्री या तो फोर या तो जीरो ये आंसर होने वाला है तो कम लो अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो या अगर गैस वैस करके हटा सकते हो कुछ तो हटा दो ठीक है देखो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट क्या है एक लाइन है एक पॉइंट है इस लाइन को सोचो एक पॉइंट है मेरे पास पी उस पी को इधर लाई करना है अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा पी लाइन के इस साइड में ऑब्वियसली मुझे एक लाइन पे मुझे दो पॉइंट पता होता अगर पी और क्यू तब मैं बता सकता हूँ पी एंड क्यू आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड और ऑन द सेम साइड वो भी कैसे लाइन के इक्वेशन में पी का कोऑर्डिनेट डालूंगा लाइन के इक्वेशन में क्यू का कोऑर्डिनेट डालूंगा अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो दोनों सेम साइड में है दोनों का साइन अलग अलग हुआ तो दोनों अलग साइड में है ओके ये कॉन्सेप्ट है दिस मीन्स एक पॉइंट को मैं लाइन में डालने वाला हूं और एक पॉइंट को एक पॉइंट और कौन सा तो एक पॉइंट सबको समझ में आ जाना चाहिए एक पॉइंट वो ये बताना चाह रहे हैं जीरो कॉम जीरो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये भी है जीरो कॉमा रूट सिक्स भी है ये भी है माइनस रूट सिक्स कॉमा जीरो भी है लेकिन सबसे आसान मेरे लिए कौन सा पड़ेगा जीरो कॉमा जीरो ठीक है इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब लाइन के अंदर जीरो कामा जीरो डालोगे क्या आया माइनस वन ओके अब लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट डालो टू कामा थ्री बाई फोर टू डालोगे तो टू इंटू टू फोर थ्री बाई फोर डालोगे तो थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस नाइन फोर माइनस वन क्या आ रहा है ये देखना ये ये फोर करेंगे तो सिक्सटीन बाई फोर हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन बाई फोर माइनस वन तो फोर बाय थ्री बाय फोर है ना तो एक ये नेगेटिव एक ये पॉजिटिव दिस मीन्स दोनों अपोजिट साइड में तो इससे ये पता चला कि दिस कैन बी ए पोटेंशियल कैंडिडेट क्योंकि ये इस लाइन के इस साइड में लाई कर रहा है सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए भी ओके okay, चेक कर लेंगे नेक्स्ट देखो फिर से जीरो कोमा जीरो डाल के तो पता चल चुका है नेगेटिव है अब ये डाल के वाले खाली चेक करना है टू इंटू फाइव बाई टू डेट इज फाइव थ्री बाई फोर फिर से तो डेट इज माइनस नाइन बाई फोर चार से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी बाई फोर माइनस वन तो इसको भी चार बाई चार कर दो तो दिस इज नाइन माइनस थर्टीन ये पॉजिटिव आ गया दिस मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी द पोटेंशियल कैंडिडेट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसको डालो वन बाई फोर डालोगे तो क्या होने वाला है देखना वन बाई फोर डालोगे तो टू इंटू वन बाई फोर इज टू बाई फोर माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फोर माइनस वन तो माइनस फोर बाई फोर ये भी एक पॉजिटिव नंबर है दिस कैन ऑल्सो बी ए पोटेंशियल कैंडिडेट ठीक है अब ये वन बाई एट वाला डालो वन बाई एट वाला डालोगे तो क्या होने वाला है देखो भैया वन बाई एट डालोगे तो टू बाई एट दैट इज वन बाय फोर माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन तो ये कितना आ रहा है फोर बाय फोर कर दो तो ये तो नेगेटिव आ रहा है दिस मीन्स ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया अब तुक्का मारना और भी आसान हो गया ठीक है यहां से ये पता चला ये थ्री पॉइंट अभी पोटेंशियल कैंडिडेट है अभी और क्या चेक करना पड़ेगा अभी ये चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के अंदर है भी या नहीं कहीं ये ऐसा तो नहीं इस साइड में कहीं बाहर ही है तो रीजन में कोई लाइन नहीं करेगा उसको कैसे चेक करेंगे तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा इन सब में मुझे चेक करना पड़ेगा ये कोई पॉइंट्स सर्कल के अंदर है भी या नहीं अगर नहीं होंगे अगर बाहर ही होंगे तो कोई भी नहीं आएगा इसलिए उसको चेक करने के लिए मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ठीक है ओके अब सर्कल के अंदर ये सारे पॉइंट रखेंगे टू रखो फोर प्लस नाइन बाई सिक्सटीन माइनस सिक्स ठीक है तो सिक्स रखेंगे तो नाइन्टी सिक्स सिक्सटीन और ये सिक्सटी फोर बाय सिक्सटीन ठीक है तो ये कितना आ रहा है दिस इज़ नेगेटिव ऑब्वियसली, नेगेटिव का मतलब सर्कल के अंदर है मतलब ये वाला आंसर है दिस पॉइंट इज लाइन इनसाइड दिस रिडन सर्कल के अंदर होगा तो नेगेटिव आएगा सर्कल के बाहर होगा तो पॉजिटिव आएगा सर्कल के ऊपर होगा तो जीरो आ जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के देख लो नेक्स्ट पॉइंट जब डालोगे 5/2, 3/4 तो ये कितना आ रहा है 25/4 9/16 6 तो नाइन्टी सिक्स बाई सिक्सटीन कर लिया और उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 और 100 तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है दिस मीन्स दिस इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल अब मेरे पास ये पोटेंशियल कैंडिडेट बचा इस कैंडिडेट को भी चेक कर लेंगे इसका कैंडिडेचर सही है या नहीं ठीक है चलो देख लेते हैं वन बाई फोर डाला वन बाय सिक्सटीन आ गया भाई फिर से वन बाय सिक्सटीन आ गया माइनस नाइन्टी सिक्स बाई सिक्सटीन आ गया ये तो नेगेटिव है दिस मीन्स ये भी अंदर है मतलब कितने पॉइंट्स आए दो पॉइंट आए जो कि उस स्मॉलर रीजन में है तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा यह कॉन्सेप्ट बच्चे मैक्सिमम टाइम भूल जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ना सेक्शन फोर सेक्शन फोर है हमारा मैट्रिक्स मैच टाइप मैंने बोला था ना आई आई जे में सिर्फ एक तरीके का नहीं आता सिंगल करेक्ट सिंगल करेक्ट आएगा मल्टीपल करेक्ट आएगा इंटीजर टाइप आएगा मैट्रिक्स मैच आएगा ठीक है अब मैट्रिक्स मैच में भी यहाँ बहुत हम लोग जैसे स्कूल में करते थे ए बी सी डी पी क्यू आर एस ठीक है तो एक का दो का तीन का चार का ऐसा कुछ भी हो जाता था ना कि हर किसी का एक ही यहाँ पे ऐसा भी नहीं है यहाँ पे हो सकता है ए का सब कुछ हो जाए पी क्यू आर एस बी का भी कुछ हो जाए ए पी क्यू सिर्फ सी का हो सकता है सिर्फ एस हो जाए आर का हो सकता है कुछ भी ठीक है दिस मीन्स ये जो मैट्रिक्स मैच है खुद में एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है मतलब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ठीक है जैसे देखो यहाँ पे दो कॉलम गिवन है अब जैसे ए को तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस टी बाप रे पांच पांच ऑप्शन हो सकता है पांच के पांचों हो जाए हो सकता है ठीक है तो अलग अलग सॉल्व करके देखना पड़ेगा मैं फटाफट बता देता हूँ ठीक है देखो मेरे पास एक वैक्टर ए बी और सी अभी तो इन्होंने पैटर्न चेंज किया अभी तुम्हें क्या होता है मैट्रिक्स में गिवन होता है वो ऑप्शन में दे देते हैं ए का पी बी का क्यू सी का उसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में ए का पी बी का क्यू ऐसे कुछ भी ए का बी का ऐसे अभी तो मतलब ये ऑप्शंस दे देते हैं तुम्हें ऑप्शन से चेक करना होता है ठीक है पहले ऑप्शन ऑप्शन नहीं देते थे तो पहले क्या होता था हर किसी का बबल फिल करना पड़ता था मतलब ए के आगे एक दो तीन चार पाँच बबल होगा पी का क्यू का आर का एस का टी का अगर जो जो है उसको फिल कर दो उसी तरीके से बी के आगे भी बबल्स होंगे जो जो आंसर है उसको फिल कर दो ठीक है तो उस टाइम पे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था इसमें अभी तो इजी हो गया अभी क्या है चारों के चारों सॉल्व करने भी नहीं पड़ते हैं एक दो सॉल्व करो उसी से कोई ऑप्शन मिल जाता है ठीक है पहले क्या होता था चारों के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते थे ठीक है ए बी सी तीन वैक्टर गिवेन है फॉर्म ए ट्राइंगल ऑबियसली एक ट्राइंगल बना रहे देन द इंटीग्रल एंगल ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन ए एंड बी ठीक है सबसे पहले तो अगर ये ट्राइंगल बना रहे है, तो क्लोज लूप में जीरो आना चाहिए सम ए प्लस बी प्लस सी अगर कितना आ रहा है ये तो कट जा रहा है दिस इज टू रूट थ्री तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं आ रहा है दिस मीन्स तुम देखोगे तो ए प्लस बी माइनस सी जीरो आ रहा है ठीक है मतलब अगर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो दिस इज माइनस सी वेक्टर, ठीक है समझ में आ गया तब एक ट्राइंगल बनेगा तब एक क्लोज लूप बनेगा ठीक है यहां थोड़ा सा चमकाया था अब मुझे ए और बी के बीच में एंगल चाहिए ए वेक्टर इधर जा रहा है बी वेक्टर इधर जा रहा है इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए मुझे अब वो वाला इंटरनल एंगल चाहिए मुझे इंटरनल एंगल ये वाला होगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली अच्छा बी वैक्टर इधर नहीं जा रहा है ये गड़बड़ हो गया बी वैक्टर इधर जा रहा है भैया बी वैक्टर इधर जा रहा है ए वैक्टर इधर जा रहा है ये एंगल तो मैं निकाल लूंगा डॉट प्रोडक्ट से उसको क्या करूँगा वन एट्टी डिग्री माइनस कर दूंगा ठीक है बी डॉट ए निकाल लो बी डॉट ए निकालोगे तो कितना आएगा माइनस वन प्लस थ्री ठीक है दिस इज टू डिवाइड बाई मोड बी मॉड बी मोड ए दोनों सेम है थ्री प्लस वन फोर रोटर फोर टू 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 फोर दिस इज वन बाई टू का मोड कॉस अल्फा वन बाई टू डेट इज ये वन ट्वेंटी डिग्री है तो ये कितना है, है, तो है सिक्सटी okay, B, B फिर से, फिर से, डिग्री है इनका फेवरेट है जई एडवांस का या फिर जय मेंस का भी आजकल फेवरेट हो गया है न्यूटन लेबनेट्स फार्मूला से ऐसा एक साल भी नहीं हुआ है जिससे न्यूटन लेबनेट्स फार्मूला से, से क्वेश्चन नहीं आया हो अब देखो ए से बी रैंडम कुछ भी ए से बी कॉन्स्टेंट के टर्म में दिया है लेकिन रैंडम है एफ एक्स माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैल्यू ऑफ एफ ऑफ फाइव बाई सिक्स मुझे एफ एक्स सी तो निकालना है तो तुम देखो एफ ऑफ बी ठीक है एफ ऑफ बी अगर मैं किसी ए या बी के टॉर्म में डिफ्रेंसिएट करूं ठीक है दोनों साइड ए के टॉर्म में डिफ्रेंशिएट करो तो एफ ऑफ बी इंटू बी डे चलो ओके तो बी के टॉर्म में अगर डिफ्रेंसिएट करें या ए के टॉर्म में डिफ्रेंसिएट करें फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अगर बी के टॉर्म में डिफ्रेंशिएट करूं ए को कांस्टेंट मान लो सपोज इफ एज कॉन्स्टेंट मैं बी के टॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों साइड तो क्या आएगा एफ ऑफ बी इन टू बी डेस वन थ्री बी ठीक है फिर से बी डस वन और ए का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा तो और कुछ आएगा नहीं ए स्क्वायर का डिफरेंसिएशन जीरो बी का डिफरेंस माइनस टू बी ठीक है तो यहाँ से मुझे पता चला एफ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया बी दिस मीन्स एफ ऑफ फाइव बाई सिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई सिक्स पी 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 बी का पी, था बी का 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 ए आर था ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर बाय एलन थ्री ये सेक ऑफ पाई बाई एक्स का पाई एक्स का इंटीग्रेट करना सेक पाई एक्स का इंटीग्रेशन सबको बात पता है ठीक है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स एलेन सेक एक्स प्लस टेन एक्स लेकिन x का कोई फिशेंट पाए है तो वन अपॉन पाई करना पड़ेगा अब इसमें लिमिट लगेगा सेवन बाय सिक्स से फाइव बाय सिक्स वाला तो वन अपॉन पाई रहने दो एल एन सेक ऑफ पाई बाय सेक फाइव पाई बाय सिक्स प्लस टेन फाइव पाई बाय सिक्स माइनस एलेन सेक सेवन पाई बाय सिक्स प्लस टेन सेवन पाई बाय सिक्स देखो ये तो अब निकल जाएगा इंटू इसमें क्या कर देना पाई स्क्वायर बाय लाइन थ्री अब देखो सेक पाई बाय सिक्स को कैसे निकाल दो पाई माइनस पाई बाय सिक्स लिखा हुआ है ठीक है ये भी पाई माइनस पाई बाय सिक्स लिखा हुआ है सिमिलरली ये पाई प्लस पाई बाय सिक्स लिखा हुआ है और सेवन पाई माइनस थीटा पता है मुझे पाए माइनस थीटा खाली सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा ठीक है तो ये सेक पाई बाय सिक्स आ जाएगा ये माइनस टेन पाई सिक्स आ जाएगा ये सेक पाई प्लस में जाओगे सिर्फ टेन पॉजिटिव ये माइनस सेक पाई सिक्स और ये अगला वाला टेन पाई बाई सिक्स वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये अच्छा क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस आर्गुमेंट ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग बेसिकली ये सोचो उसका मॉडुलस निकालना है ठीक है पॉजिटिव वैल्यू तो आर्गुमेंट ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू कैन बी रिटर्न एज आर्गुमेंट जेड वन माइनस आर्गुमेंट जेड टू तो अब जेड वन माइनस जेड टू करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे दिस इज Argument ऑफ वन माइनस argument ऑफ वन माइनस जेड जेड के बारे में एक इंफॉर्मेशन की है कि mod जेड इज इक्वल टू वन मतलब जेड एक सर्कल पे है ओके okay, कहीं भी अब argument ऑफ वन वन कहाँ है यहां वन को हमारा जीरो ही है ना तो argument ऑफ जेड ये तो पता है तुम्हें जीरो होता है इन दोनों का बेसिकली वन और वन माइनस जेड में एंगल चाहिए वन माइनस जेड अब तुम जेड कहीं भी एज्यूम कर लो सपोज यहाँ एज्यूम कर लिया तुमने तो वन माइनस जेड ये वाला वैक्टर होगा अब इस दोनों वैक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमाइज करना है मुझे तो ऑबली मैक्सिमम कब होगा ये मैक्सिमम कब होगा जब ऐसे ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा यहां जाते जाएगा यहां जाते जाएगा ये इस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद क्योंकि फिर से क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन दैम मिनिमम होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब मैक्सिमम कितना पाई बाई टू ऑब्वियसली यहां इन्होंने बोल दिया कि जेड इज नॉट इक्वल टू वन और ये मैक्सिमम आ रहा है जेड इज इक्वल टू वन पे ही आ रहा है तो इन्होंने ऑब्वियसली एज्यूम ये कर लिया है कि जस्ट वन से छोटा वैल्यू पे मैक्सिमम आ गया ठीक है मतलब मैक्सिमम इज अप्रोचिंग एप्रोचिंग टू वर्ड्सू वर्णा यह क्वेश्चन भी गलत हो जाता ठीक है, है चलो नेक्स्ट है फिर से मैट्रिक्स मैच मैथ दी कॉलम ओके द सेट दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जहां मॉड जेड इज इक्वल टू वन जेड इज ए कॉम्प्लेक्स ये सेट क्या है पूछ रहा है ठीक है अब देखो रियल ऑफ दिस रियल ऑफ टू आयोटा जेड डिवाइड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर ठीक है टू आयोटा डेड जहां मॉडजेड इज इक्वल टू वन है ठीक है मॉड जेड इज इक्वल टू वन उन्होंने दिया इसका रियल पार्ट अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है सपोज इफ दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू तो डब्लू प्लस डब्लू बार जो होता है वो टू इन टू रियल ऑफ डब्लू होता है ठीक है मुझे रियल ऑफ डब्ल्यू चाहिए तो यहाँ से आई कैन से रियल ऑफ डब्ल्यू जो होगा वो डायरेक्टली होगा दिस प्लस इसका बार दैट इज टू आयोटा जेड डिवाइड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस इसका बार टू आयोटा ओटा जेड का बार डिवाइडेड बाय वन माइनस जेड स्क्वायर का बार बाय टू ठीक है यहाँ से तुम्हें अल्टीमेटली आ जाएगा ठीक है मल्टीप्लाई करोगे जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर आएगा मॉट जेड का होल स्क्वायर तुम क्या कर देना वन लिख देना हर चीज़ आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा ठीक है इसका रियल पार्ट ओके ये तो एक मेथड था दूसरा मेथड कैन बी जेड की वैल्यू तुम एक्स प्लस आयोटा वाई भी रख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई रख के देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हर जगह वन पुट कर देना उससे क्या होगा तुम्हारा रेंज आ जाएगा ठीक है ओके अब द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन निकालना है भाई डोमेन निकालना तो ईजी होता है ना साइन इनवर्स के अंदर अब देखो साइन इनवर्स बताया जाता है वाई इज इक्वल साइन बस कुछ भी मसाला यह तभी डिफाइन होगा जब यह मसाला माइनस वन से वन के बीच में होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है बस उस मसाला को माइनस वन से वन के बीच में कर देना है एट इंटू थ्री टू दी पावर एक्स बाय नाइन डिवाइड बाय थ्री टू एक्स माइनस टू को मैंने लिख दिया थ्री टू दी पावर एक्स बाय थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज नाइन ठीक है डिवाइड बाय वन माइनस थ्री टू टू एक्स माइनस टू डेट इज बाई नाइन ठीक है नाइन नाइन कैंसिल भी हो जाएगा ये माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से नाइन नाइन कैंसिल हो रहा है तुम्हें दिख रहा होगा माइनस वन से वन के बीच में एट इंटू थ्री टू दावर एक्स डिवाइड बाई नाइन माइनस थ्री टू दावर एक्स का होल स्क्वायर वन अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली एक बार इसको सॉल्व कर लेना एक बार इसको सॉल्व कर लेना और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना कैसे सॉल्व करना थ्री टू द पावर दावर इसको टी लेना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ थीटा एफ थीटा के बारे में कुछ गिवन है पूछा है देन द सेट एफ थीटा बिलोंग्स टू एफ थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेसिकली फिर से रेंज पे क्वेश्चन ठीक है कर लेंगे ईजी है कैसे करेंगे पहले तो ये डिटर्मिनाट निकाल लेंगे डिटर्मिनाट निकालोगे देखो क्या आ रहा है प्लस माइनस प्लस प्लस ठीक है प्लस माइनस प्लस वन इंटू वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टीटा रो कॉलम रख दिया माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ये तो जीरो प्लस थीटाइनस प्लस जीरो हो गया, थीटा, ये भी आर एस एक्स स्क्वायर थीटा टू सेक्वायर थीटा आ गया अब टू सेक्सवायर थीटा भैया सेक थीटा के वैल्यू वन से इनफिनिटी टू से इन्फिनिटी वाला आंसर कहता हूँ सी आंसर ठीक है सी कहा मतलब ईजी नेक्स्ट क्वेश्चन ये फंक्शन देके बोला गया फंक्शन इंक्रीजिंग किधर है फंक्शन इंक्रीजिंग किधर है ये तो तुम निकाल ही सकते हो ना भैया फंक्शन इंक्रीजिंग किधर है किधर है किधर है किधर है फंक्सन इनक्रीजिंग किधर है क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैस एक्स निकालते हैं एफ डैस एक्स निकाल लेंगे एक्स तो दिपावर थ्री बाई टू को रहने दिया थ्री एक्स का डिफरेंस है थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस टेन को रहने दिया एक्स टू दावर थ्री बाई टू इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू इसको जीरो से इक्वेट किया तो एक्स टू दावर थ्री इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू कॉमन है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टेन बाई टू इज इक्वल टू जीरो है या तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है या फिर टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो है या फिर एक्स इज इक्वल टू टू है ठीक है x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू अब क्या करना है तुम्हें साइन चेंज बना देना है भाई मेरे हिसाब से कौन सा आंसर आ जाएगा ये जीरो टू वाला ठीक है ये वाला डी सी टी तो यहाँ पे ये पेपर खत्म हो जाता है नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आई आई टी टू थाउजेंड ट्वेल्व का पेपर तो स्टे ट्यून्ड अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे की कोई वीडियो मिस ना हो चलो ऑल द बेस्ट